कैसी सेलिंग लगती है? बहुत बम्पर सेल होती है। देखो भाई, यहीं से रेडियां आ रही हैं, यहीं से स्कूटियां आ रही हैं, यहीं से लोग निकल रहे हैं और यहीं बाइक पार्क कर रखी है। सब कुछ रोड पे हो रहा है यार। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे पीछे वाली स्ट्रीट है ना भैया, पूरे यार इतनी फेमस दुकान की दुकान है तो वहाँ पे, बट इसकी गाड़ियाँ यहीं से लगने चालू हो जाती है जहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ये देखो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पहले तो आपने अगर शिमला वाला व्लॉग नहीं देखा मेरा तो वो जाके ज़रूर से देखो। आज ही कल परसों ही मैं शिमला से आया हूँ और दिल्ली में हूँ मैं इस टाइम विश्वविद्यालय में। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कमला नगर। कमला नगर दिल्ली में एक मार्केट है जो कि बहुत फेमस है। मैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर हूँ। यहाँ आने के लिए आपको विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पे आता है। यहाँ आने के लिए आपको मेरे ख्याल से अगर मैं राजीव चौक बेसिक लूँ आपका, तो आपको राजीव चौक से येलो लाइन चेंज करनी है और इधर आना है। अभी टाइम हो रहा है करीबन 6:22, 6:30 के आसपास हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कमला नगर मार्केट और दिखाता हूँ क्या क्या घूमने वाला है और क्या क्या देखने वाला है। फिलहाल तो मेरे को रोड पार करना है पहले, तो पहले रोड पार करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है। यार यहाँ से ना आपको रिक्शा मिल जाएगी, क्या है क्या हिसाब है। कमला नगर कितने पैसे? कमला नगर वीडियो मारो। कौन सा रिक्शा? आगे बिठा लेना उसमें, आगे बिठा लेना। हाँ बैठू, मैं चला हूँ। हेलो, हाँ चलाएंगे यार। यहाँ पर मेरे दोस्त बन गए कुछ, ये देखो यार। बेसिकली यहाँ पर मतलब ऐसे रिक्शे चलते हैं जो तुमको कमला नगर की तरफ ले जाते हैं और 15 रुपये किराया बताया ना लोगों ने। 15 रुपये किराया? 15 रुपये किराया, बढ़िया है। अरे यार यहाँ से ना ये अपना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा। ये मतलब पूरा यहीं से इसकी एंट्रेंस है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा, और ये पूरा आगे तक यही मार्केट है। तो यार मेरे पास ना 5 रुपए हैं और पीछे ना ये बिस्किट की दुकान है, नान की। अरे भैया ये नान खटाई आप इसमें जो हाथ में दे दो, ज़्यादा गर्म तो नहीं है? Thank you.
दो मिले भाई 5 रुपये मतलब मेन से स्टार्ट हो जाता है यार। बिस्किट ना मैंने गलत हाथ में भर लिया। लोगों ने यार गलियों के अंदर अंदर की दुकानें खोल रखी है, गलियों के अंदर अंदर पहले तो बाहर से देखता हूँ फिर अंदर आऊँगा। छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे हैं। 400 रुपये से स्टार्ट है, 400 रुपये से होता है। हम लोगों ने ऐसे ही छोटे छोटे मतलब क्या ही बताऊँ मैं यार। देखो तुम पूरी सड़क भरी पड़ी है, बंदे यहीं सारी शॉपिंग करने आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ मतलब इनकी फोटो खींचनी, वीडियो बनाओ, वीडियो बोलो क्या है, कितने रेट में दे रहे हो ये? 450 बॉयज कलेक्शन। कौन सी कलेक्शन? बॉयज कलेक्शन 450 में। अलग क्वालिटी पूरी होल तो यही खोल रखा है ना तुमने? होल तो रखा है, बाकी लोअर मिल जाएंगे। नेट वाले ये देखो, ये देखो भाई ऐसे लोअर मिल जाएंगे 450 के रेंज में। ये बाकी लग जाएगा बढ़िया, मतलब शोरूम से तो सस्ते ही मिल रखे हैं भाई बाहर। लोअर 800-1000 रुपये। ये देखो ये गर्म जैकेट पजामे मिल जाएंगे, गर्म पजामे सही है भाई। और ये मतलब भारी मेन उसमें ही शॉप है ये, ऐसे नहीं कि आपको ज़्यादा घूमना घामना पड़ेगा। सर मैंने कान में दूसरे ढक्कन भी लगाई। भाई ये स्ट्रीट ना लोगों ने सजाई रखी है पूरी। ऊपर लड़ियाँ हो रही लगा रखी है। और भाई यहाँ पर ना ही लोगों ने गलियों के अंदर ही बढ़िया बढ़िया अपना शॉप्स खोल रखी है। पैसे भी नहीं है, मेन सड़क पे लोगों ने दुकान लगा रखी है, गलियाँ गलियाँ दूर से बढ़िया सीन है। कमला नगर को मेरे को लगता है इतना कोई ज़्यादा जानता भी नहीं, मतलब उस बंदे का नाम सुना है आता नहीं है। भाई कमला नगर जाता सरोजनी नगर या कनॉट प्लेस इधर ही जगह है। Thank you.
तो मैं यहाँ पर भी आया हूँ, पहले भी आया हूँ एक बार, और मैं दिवाली के टाइम पे आ गया। उन लोगों ने ना पूरा ये पीछे से ऊपर से लड़िया उड़िया लगा रखी। बढ़िया हिसाब किताब है यार यहाँ तो, मतलब रोड देख ही रहे हो तुम, पूरी मार्केट भरी पड़ी है। मेरे ना कंधे में दर्द हो जाते हैं पकड़ पकड़ के ना। देखो यार दुकान का नाम सावरिया। मतलब कमरा पूरे अभी तक जितना मैं आया हूँ पूरे कबला नगर में ये हिसाब है, इन लोगों ने यहाँ नीचे नीचे दुकानें बना रखी हैं। ये पूरे कमला नगर के सेंटर में बच्चा उछल कूद करता है यार। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर ये पीछे वाली स्ट्रीट है ना भैया, पूरी बड़ी बड़ी है लोगों से, इसको बाद में कवर करूँगा, पहले मैं टाइम लैप्स ले लूँगा मॉल का। यार यहाँ पर ना एक फेमस स्ट्रीट है जिसका नाम शायद और ना वो वही सड़क थी जो मैंने तुमको दिखाई थी ना, उसमें बहुत सारी भीड़ थी, मतलब वो बहुत फेमस सड़क है पूरे कमला नगर में। एक बार ना वहीं चलते हैं और सड़क में देखते हैं ऐसा है फेमस है वो, पहले तुम्हें पता था सड़क का नाम क्या है। हाँ तो मैंने पता करा वो ना कोल्हापुर रोड है शायद, और मतलब सारा सामान वहाँ मिलता है वहाँ पर, मैं दिखा दो तुमको यही थी वो यहाँ। तो इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, घुसने में डर लग रहा है मेरे को। यार बाहर से तो बड़ी भीड़ लग रही थी इसमें, खाली खाली सा ये देखो भाई। कपड़े ही कपड़े। भाई यहाँ तो ज्यादा कर रखा है। देखो भाई यहीं से रेडियां आ रही हैं, यहीं से स्कूटियां आ रही हैं, यहीं से लोग निकल रहे हैं और यहीं बाइक पार्क कर रखी है, सब कुछ रोड पे हो रहा है। तो यार थोड़ा सा आगे आके ना मेरे को यहाँ पर यार खाली जी थे कि लॉन्ग बाद बड़ी तेज़ से खुशखुशी आ गई है यहाँ पर, मतलब इन लोगों ने डिपार्टमेंट से बात करके
आधा कपड़ा, आधा खाने की दुकान, आधा लड़कियों का, आधा लड़कों का, ऐसे। तो भाई पीछे दार दिखा के यार, तो यहाँ से ये अलग मार्केट है, ये शायद घंटाघर बाद भी रोड है शायद, जितना मेरे को पता है पीछे घंटाघर है, लॉकडाउन उसको बोलता ना, यही है वो। दिल्ली में फेमस घंटाघर इसी वाली रोड पे आ गए आके यार। ये वाली रोड ना वो पिछले वाली रोड के कंपैरेटिव में ना बहुत कम क्राउड है यहाँ पर, मेरे को लग रहा है वही वाली रोड में है कमला नगर के, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, पर बल्कि यहाँ पर शॉप भी है फिर भी कोई नहीं आता। ऐसा लग रहा है एकदम अलग ही आ गया ना, कमला नगर है ही नहीं है एकदम, ही कम क्राउड है वहाँ से, वहाँ के कंपैरेटिव में यहाँ पर। अभी मैं उस वाली रोड पे जाऊँगा इतना क्राउड मिलेगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, जबकि यहाँ तो शॉप भी है। इसकी एकदम से काट जाएगी यार, मैं ना वापस इसी रोड पर मर्ज हो रहा हूँ। कमला नगर के सराउंडिंग में ना ये बहुत से अपना आस पास यूनिवर्सिटी जो हंसराज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल, ये सारे कॉलेज में आस पास है, तो उन लोगों ने यहाँ पर रूम्स वगैरह ले रखे हैं जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके रूम्स आस पास ही है, तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, पर यहाँ पर लोगों के घर भी काफ़ी सारे हैं, सीन है इतने जो लोग आए हैं। तो भाई आया बोलता है यहाँ पर यार लड़िया बढ़िया लगा रखी, अभी तक जितना कमला नगर में देख रहा हूँ सबने लड़िया बढ़िया लगा रखी है भाई। सब वगैरह कमरा लगकर भरा हुआ भाई, बढ़िया मार्केट है यार। ये जो तुम मेरे पीछे ये देख रहे हो ना ये वाली दुकान, यार ये इतनी फेमस दुकान है ना, इस पर चल रहा देखो भीड़ ही लगी रहती है, जब भी आप यहाँ भीड़ मिलेगी इतने फेमस नहीं मिलते यार। उसका मेन तो गेट पीछे रह गया, मैक्स है भाई काफी सारे, मेरा कैमरा ना एकदम फिरने को ही हो रहा है।
का बांधना वादना पड़ेगा तुम्हें। क्रोमा भी लो, यहाँ पर क्रोमा भी है। घूमने का ये टाइम बेस्ट है मेरे को लगा। कैमरे के नीचे ना मैंने स्टैंड लगा रखा है तो जो छोटा सा नहीं होता वो। अरे 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 क्या हाल है? अरे यहाँ पर यार ब्लॉग बना रहा हूँ, ऐसे घूमूंगा। बॉम्बे से दिल्ली यार मैं ना यहाँ से जा रहा था तो अभी मेरे सामने दो लोग चल रहे थे तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ पर ना एक बहुत फेमस चाय वाला, और तभी मेरे को याद आया कि हाँ वो तो सुदामा चाय वाला है। यहाँ पर ना एक हंसराज के सामने एक सुदामा चाय वाला बैठता है और वो ना पूरी दिल्ली में फेमस है चाय वाला, जिसकी वीडियो में दिखाऊंगा। और हाँ आपको ना ऑटो भी जाते वक्त वहीं से मिलेंगे जहाँ से मैं ऑटो से उतरा था, ठीक है? तो आप लोगों को वहीं से ऑटो ऑटो मिलेंगे और बीच में कोशिश करूँगा अच्छे से जाते आते हुए सुदामा चाय वाले की आपको वीडियो दिखा, मतलब वीडियो बना के दिखा दूँ। अरे थोड़ा धीरे चलाओगे? हाँ तो देखो यार सुदामा की दुकान ना यहाँ से शुरू होती है, मतलब सुदामा की दुकान है तो वहाँ पे, बट इसकी गाड़ियाँ यहीं से लगनी चालू हो जाती है जहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ये देखो पर हिमाचल तक सुना है मैंने इसके बारे में, कितनी भीड़ लगी हुई है यार देखो, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, कितनी तगड़ी भीड़ लगी हुई है विश्वविद्यालय में। भाई साहब ये सारे स्टूडेंट्स ही होते होंगे, कितनी भीड़ है यार, हद हो गई है। ये देखो भाई सुदामा ने पूरा रोड कवर कर लिया। और भैया क्या कह रहे थे, कैसी सेलिंग लगती है इसकी? बहुत बम्पर सेल होती है सुदामा चाय वाला। बम्पर सेल होती है बढ़िया है यार। मेरे को ना टाइम लग गया, मैं सोच रहा हूँ कैमरा यहीं रखूँ अपना, मेरा इसका एंट्रेंस में यहीं से टाइम लग गया, डर लग रहा है कैमरा ना तोड़ के बाद। तो देखो भाई भैया ने मेरे को छोड़ा और इनके फ़ोन से मैं अपना चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ।